हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही बिहारी स्टाइल दूध से बना पेड़ा। बिहार में दूध से बना पेड़ा बहुत ही फेमस है, ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है और आप इसे घर पे भी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पेड़ा। पेड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में फुल फैट का 2 लीटर दूध गर्म किया है। दूध में अच्छी तरह उबाल आ जाने देंगे। अभी आप देख सकते हैं दूध में बढ़िया तरीके से उबाल आ गया है, तो गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमें इसका उबाल उबाल के इसका खोया बनाना है, एकदम थिक बना लेंगे पहले। थोड़ा टाइम लगता है और अगर आपके पास मावा पहले से है, खोया पहले से है, तो पेड़ा बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो फ्लेम को स्लो कर देंगे, स्लो टू मीडियम का भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वरना दूध हमारा जो है बाहर आ जाएगा। दूध को पकाते पकाते आप देख पा रहे होंगे कि दूध की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है और साइड से जितनी भी मलाई लग रही है उसे छुड़ा छुड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और इसी तरह हमें इसका थिक खोआ बनाते जाना है। अब देख सकते हैं कि दूध जो है हमारा धीरे धीरे थिक हो रहा है और साइड से इसका क्रीम भी हटाते जा रहे हैं, अभी और ये थिक होगा। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे मैं थिक कर रही हूँ। जब हमारा दूध थिक होकर के कुछ इस स्टेज तक आ जाए, मीन्स एक खोआ के जैसा फॉर्म ले ले, तब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो यहाँ पे मैं मेजरिंग कप से 1 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मीठा ज़्यादा मीठा जैसा पसंद करते हैं डालें। मिला देंगे। अभी जब चीनी डाले हैं तो ये जो खोआ है थोड़ा सा और ये थिन हो जाएगा, मीन्स ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा और फिर वापस से ये थिक होगा। और एक इंग्रेडिएंट और डलेगा, वो है कुटी हुई इलायची। इसके अलावा हमें पेड़े में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 इलायची को कूट कर डाला है। फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह खोए को अभी और हमें भूनना है। आप देख पा रहे होंगे कि खोए का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये पेड़े के कलर में आ रहा है। थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि इससे अभी छींटे आएंगे, तो गैस का फ्लेम स्लो पे कर देंगे। अभी इसे छींटे आने बंद हो गए हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। थोड़ा सा और इसे हमें कुक करना है। ये पेड़ा जो है हमने कढ़ाई जो हमने यूज़ किया है पेड़ा बनाने में नॉन स्टिक का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है चारों तरफ मलाई, तो नॉन स्टिक में ईजली ये निकल जाता है। अगर कोई और कढ़ाई रहती है तो चिपका तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपके पास पॉसिबल हो तो नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही बनाएं। तो अभी ये जो खोआ है हमारा हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से जब हो तो ये खोआ जो है हमारा डन हो चुका है। जब ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा और पेड़ा बनाने के लायक बन जाएगा। तो इस समय पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए हमें इसे एकदम से ठंडा नहीं करना है, हल्का, एकदम हल्का, जितना कि आप हाथों में इसे ले कर पेड़ा बना सके, उतना जब गर्म हो तब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
खोया जो है हमारा ठंडा हो गया था पेड़ा बनाने के लिए, तो इसे मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं जब कढ़ाई में था, गर्म था, तो कितना ये लिक्विड टाइप का था, लेकिन अभी ये हार्ड हो गया है। तो एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। अभी पेड़ा बनाने के लिए जितना बड़ा पेड़ा बनाना हो उतना बड़ा बॉल लेंगे, इसे राउंड शेप देंगे, एकदम स्मूथ शेप राउंड करेंगे और बीच में हल्के हाथों प्रेस कर देंगे इस तरीके से। जो बिहार में पेड़ा बनाया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से बनाया जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो डिजाइन भी बना सकते हैं, सिमिलरली सारे पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सारे पेड़े बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आप सही तरीके से पेड़ा बनाते हैं तो आपका भी पेड़ा बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आगे आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।